आज हम मौजूद है MCN समाचार की तरफ से चांदमारी में, और आज हम यहाँ पर रिजवान साहब के घर के ऊपर है, और आज यहाँ पर दो बच्चों ने 10th पास आउट किया है, और आज जो कि अपने शौकत साहब है जो कि सोशल वर्कर है, उन्होंने भी सत्कार किया है और रिजवान साहब ने भी सत्कार किया है। आइए हम रिजवान साहब और शौकत साहब से इस ताल्लुक से दो शब्द बात करते। जो बच्चों ने पास आउट किया है मैं उनका सत्कार करता हूँ, और जो बच्चे अभी नवी में हैं वो भी मेहनत करके पढ़े, और अभी जो हमारे सैफ शेख है उन्होंने 82% लेकर आए हुए हैं, और एक है तो हमारे जायद ने 71% लेकर आए हुए हैं। तो जो 9th पास अभी जो हुए हुए बच्चे जो 10वीं में गए हुए उन्होंने भी ऐसी मेहनत करके अच्छे परसेंटेज लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम। ये बच्चे जो अपनी मेहनत से जो पास हुए, ये बच्चों का देख के दूसरे बच्चों ने भी ऐसी जिद हासिल करते हुए इनसे भी ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करना। और जैसा कि हमारे चांदमारी के मस्जिद के इमाम साहब है, उनके बच्चे ने 82% लेके आया, और जो ये सलीम साहब है ये अपनी मेहनत करके कॉन्ट्रैक्टर है, ये अपनी मेहनत करके बच्चों को यहाँ तक लेके आया। हर किसी ने इनसे कुछ ये बातें सीखना, और माशाल्लाह अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना। क्या नाम है आपका? शेख साहब। शेख सलीम। आपके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं बेटा? 71। तो इसका आप श्रेय किसको देते हैं? हमारे उस्ताद, माँ बाप और क्लास टीचर। अच्छा, आप तमाम चेहरे औरंगाबाद के बच्चों को और क्या मैसेज देना चाहते हो? वो हमारे से ज़्यादा अच्छी मेहनत करे और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करे, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, और अपने इस कौम का नाम रोशन करे। क्या नाम बेटा? शेख सैफ। कितना परसेंट आया? 82। 82 आया। आज आप इसका श्रेय किसको देते हो? माँ बाप, टीचर्स। माँ बाप टीचर्स। आपके पीछे मेहनत किसने किया? अब्बा और मम्मी ने करे। हाँ। टीचर्स ने तमाम। और इसके अलावा आप तमाम शहर औरंगाबाद के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो? हार्ड वर्क करो, मेहनत। 10th पास कर लिया है तो इसके बाद आप क्या बनना चाहते हो? 10th पास पास आउट होने के बाद अभी JEE की प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद आना पड़ेगा इंजीनियरिंग। और आपको क्या करना है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अल्हम्दुलिल्लाह, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे दीन के साथ साथ दुनिया के अंदर भी अपने कौम का नाम रोशन करे, अपना मुस्तकबिल तैयार करे, इसलिए कि इस्लाम भी दोनों तालीम की तरजीह देता है, सिर्फ दीनी तालीम, बल्कि हमारे बच्चे, हमारे कौम के बच्चे आगे रहे, IAS आफिसर बने, पुलिस में आगे रहे, बड़े बड़े अहदों पर रहे, तो इंशाल्लाह यही चीज़ हमारे कौम को तरक्की की तरफ गामजन करेंगे इंशाल्लाह। तो आज आपने देखा, हमने चांदमारी में इन बच्चों से बात की और इनके वालदेन से भी बात की, और ये काफ़ी खुशी की बात है, और ये बच्चे काफ़ी मेहनत करके पास आउट हुए हैं 10th। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफे मोहम्मद के साथ।